सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वेदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जी। गल करांगे 26 अक्तूबर दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, अमृतसर च दिवाली मौके सिर्फ 3 घंटे ही चलणगे पटाके। दिवाली दा त्यौहार नेड़े आ रहा है ते बाजार च पूरी तरह रौनक वेखण नूं मिल रही है। अमृतसर च इस बार दिवाली तो सिर्फ 3 दिन पहला 1 नवंबर तो दुकानों तो पटाके मिलणगे। इस दे लई डीसी दफ्तर च पटाका मार्केट लई एक लक्की ड्रा कढ़िया गया। पूरे शहर लई सिर्फ 10 लक्की ड्रा कढ़े गए। जिन्हां दुकानदारां दे लक्की ड्रा कढ़े गए हन सिर्फ ओह दुकानदार ही पटाके वेच सकणगे। 1 नवंबर तो यह दुकानदार पटाकियां दी विक्री शुरू करनगे। इस दौरान डीसीपी PS बंडाल ने कहा कि बिना लाइसेंस तो पटाके वेचण वालियां खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाका मार्केट लई कढ़े गए लक्की ड्रा मौके ADC जनरल रूही दुग्गल तो इलावा SDM एक टी बैनिक ते DCP बंडाल मौजूद सन। पटाका मार्केट लई कुल 1006 अर्जियां प्राप्त हुई जिन्हों चों 10 जणिआं दा लक्की ड्रा कढ़िया गया। ADC दुग्गल ने सारे पटाका वेचण वालियां दुकानदारां नूं स्पष्ट किया कि ओह पटाके वेचदे समय नियमों की पूरी तरह पालना करन। इस दौरान मार्केट च अग बुझाउण वालियां गड्डियां मौजूद रहणगियां। पटाकियां नूं ज़्यादा मात्रा च ना लिआंदा जावे। प्रशासन इस बार पटाकियां की खरीद बेच ते सख्ती कीती है ते पुलिस इस बार पूरी तरह नज़र रखेगी। प्रशासन ने कहा कि दिवाली वाले दिन सिर्फ 3 घंटे ही पटाके चलाए जा सकणगे। इस दे लई शाम 6 बजे तो लैके रात 9 बजे का समा तय किया गया है। इस तों बाद जेकर कोई पटाके चलाउंदा है तां पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अगली खबर दोस्तों, BSF ते आल पार्टी मीटिंग। चन्नी ने कहा पंजाब दे हित दी राखी लई हर अहुदा कुरबान, लोड़ पई तां सुप्रीम कोर्ट भी जावांगे। केंद्र सरकार वल्लों BSF दा दायरा 15 तों 50 किलोमीटर वर्ग दा कर दिता गया है। इस संबंध विच पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साबका सर्व पार्टी मीटिंग सदी। यह मीटिंग के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस सद के CM चन्नी ने कहा कि यह मीटिंग बेहद सुखावें माहौल में हुई। इस मौके सारिया पार्टियां ने एक साझा मता पास किया कि पंजाब के हित का नुकसान नहीं होने दिता जाएगा, भावें इसलिए कोई भी अहुदा कुरबान करना पवे। इस विच सारिया पार्टियां वालों मता पास किया गया कि BSF का दायरा वधाउण दे नोटिफिकेशन अते 3 खेतीबाड़ी कानूनों पंजाब विच रद्द करने लई पंजाब विधानसभा का विशेष सैशन सद्या जाएगा। लोड़ पई तां सत्याग्रह भी किया जाएगा ते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खड़काया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, टाटा दे हाथ च जाण तों पहलां एयर इंडिया दा पंजाब नूं झटका। नदेड़ साहिब सने इह उड़ाना बंद। टाटा ग्रुप दे हत्थां च जाण तों पहलां एयर इंडिया ने अमृतसर दे नाल नाल पंजाबियों नूं वड्डा झटका दिता है। एयर इंडिया ने पंजाब नूं 5 ताकतां विचों इक नदेड़ साहिब नाल जोड़न वाली सीधी उड़ान रद्द कर दिती है। इन्ना ही नहीं, अमृतसर तों रोम दी बुकिंग भी 1 नवंबर ਵਰਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰੋਮ ਅਤੇ ਨਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੜਕ 'ਚ ਬਣੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਧਸੀ ਕਾਰ, 3 ਜਣੇ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸੀ ਮਿੱਟੀ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆਫਤ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 300 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਸੜਕ 6-6 ਫੁੱਟ ਧਸ ਗਈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਧਸ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਵੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਖੱਡੇ 'ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ 'ਚ 3 ਜਣੇ
सवार सन जिन्होंने आस पास के लोगों ने बाहर कढ़िया। रात की गल यह रही कि इन्हों चों किसी नूं भी सट नहीं लगी। खड्डे च कार डिगण की खबर ज्यों ही निगम नूं मिली तो निगम अफसर मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्रैन की मदद नाल कार बाहर कढ़ाई। अगली खबर दोस्तों, मनरेगा मजदूरों नूं खुदाई दौरान मिले 200 कारतूस, जांच ड्यूटी पुलिस। लुधियाना के सानेवाल के पिंड पवा में खुदाई दौरान मनरेगा मजदूरों को सीमेंट दियां प्लास्टिक दियां बोरियां विच 200 कारतूस मिले। स्कूल के नेड़े कारतूस मिलने की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। कुछ ही देर च सानेवाल पुलिस ने मौके पर पहुंच के कारतूस को कब्जे में लेके जांच शुरू कर दी। मुढ़ली जांच में पुलिस ने कहा कि वह बहुत पुराने कारतूस हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद कबाड़ द्वारा इत्थे सुट्टिया गया। पुलिस ने अणपछाते लोगों खिलाफ केस दर्ज कर लिया ते कारतूसां नूं जांच लई भेज दिता गया है। अगली खबर दोस्तों, एक दिन लई पंजाब दी राजधानी बनेगा लुधियाना, कैबिनेट मीटिंग लई चमकेगा जिला प्रबंधकी कंपलैक्स। लुधियाना च पहली बार पंजाब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगवाई पंजाब मंत्रिमंडल 27 नूं लुधियाना च जिला प्रबंधकी कंपलैक्स की बचत भवन च बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक तो पहला जिला प्रबंधकी कंपलैक्स नूं चमकाउण दा काम शुरू हो गया है। एंटी पॉइंट नूं लैके जिला प्रबंधकी कंपलैक्स के वख-वख हिस्सों नूं भी चमकाया जा रहा है। बैठक बचत भवन च होगी, इसलिए जिला प्रशासन ने बचत भवन अंदर ते बाहर तो करना शुरू कर दिता है। यही नहीं, बचत भवन च नवा फर्नीचर भी लाया जा रहा है। बचत भवन नूं अपडेट करन च कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। अगली खबर दोस्तों, पंजाब च डेंगू के मामले 11,000 के पार, विरोधी धिरां ने विन्या चन्नी सरकार ते निशाना, सियासी अस्थिरता कारण मामलों च वाधा। कोरोना तो बाद हुण पंजाब च डेंगू ने कहर मचाया होया है। पूरा सूबा डेंगू की लपेट में है। सूबे में हुण तक डेंगू के 11,756 मरीज सामने आ चुके हैं। सेहत विभाग भी डेंगू के मरीजों बारे जानकारी देने तो कन्नी कतरा रहा है। डेंगू के वधदे मामलों कारण विरोधी धिरां ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं निशाना बनाउणा शुरू कर दिता है। विरोधी धिरां का दोष है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई कारण पंजाब के लोगों नूं डेंगू नाल लड़न लई कल्लिआं छड्ड दिता गया है। अगली खबर दोस्तों, ISI चीफ नाल अरुषा दे रिश्ते नूं लैके नवा खुलासा, पंजाब दी राजनीति च मच सकदा गदर। पंजाब विच पाकिस्तानी महिला पत्रकार अरुषा आलम नूं लैके विवाद लगातार वधदा जा रहा है। पंजाब दे उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह अते अरुषा आलम दे संबंध दी जांच दी मंग कीती है, जिस तों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मीडिया सलाहकार रवीनर कुराल ने अरुषा आलम दीआं कुझ तस्वीरां जारी कीतीआं हन, जिस विच ओह पंजाब दे साबका DGP मुहम्मद मुस्तफा दी पत्नी अते नौ दे नाल नज़र आ रही है। यह उही अरुषा आलम है जिस नूं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दे मुखी लैफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद नाल उस दी पत्नी ने रंगे हथीं फड़िया सी। अरुषा आलम पाकिस्तान दी डिफेंस पत्रकार है। अरुषा अकलीन अख्तर दी धी है जो पाकिस्तान विच राणी जनरल वजों मशहूर है। दावा किया जा रहा है कि अरुषा आलम की कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल पहली मुलाकात 2004 विच पाकिस्तान फेरी दौरान हुई सी, जिस तों बाद अरुषा आलम कई बार भारत आ चुकी है। उन्होंने अमरिंदर सिंह नाल भी देखा गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ISI के मुखी लैफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद और अरुषा आलम घर में रंगे हथी फड़े गए सन। ISI मुखी की करतूत वेख के उसकी पत्नी इन्ने गुस्से हो गई कि उसने गोली चला दी सी। इस घटना को दबाने की कोशिश की गई पर यह मीडिया में आ गई। अगली खबर दोस्तों, कनेडा च पंजाब के नौजवान की दिल का दौरा पैण कारण मौत। बेहतर भविख के सुपने नाल कनेडा पढ़न गए गुरदासपुर के नौजवान बलप्रीत की अचानक मौत हो गई। नौजवान जिले के अफगान पिंड का वसनीक सी। ओह अपने मापियां दा इकलौता पुत सी। बलप्रीत की अचानक हुई मौत कारण परिवार विच सोग का पहाड़ टुट गया। पंजाब पुलिस तो सेवा मुक्त हुए कुलदीप सिंह ने दस्सिया कि उसका होनहार पुत्र बलप्रीत सिंह 20 लाख रुपए खर्च करके चंगे भविख लई 10 महीने पहला कनेडा गया सी। उन्होंने दस्सिया कि एतवार नूं बलप्रीत दे दोस्त महकप्रीत सिंह ने कनेडा तो फोन से दस्या कि वह अपने दोस्त नाल फिल्म देखने जा रहा है। इस दौरान उसकी दिल का दौरा पैण नाल मौत हो गई। इस नाल ही बलप्रीत की माँ बलविंदर कौर की हालत बहुत खराब है। बलविंदर कौर ने कहा कि जेकर सरकार चंगी हो साडे बच्चों बाहर ना जाना पवे। नौजवान की मौत की खबर नाल इलाके विच सोग की लहर दौड़ गई। जी हुण तक दीआं ताज़तरीन ते मुख खबरां, होर खबरां जानने लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल शेयर करना ना भुलना। धन्नवाद दोस्तों।